जीबीके नेक्स्ट डेट हेड डीवीडी प्रसाद ने सोलन में आयोजित पत्रकार वार्ता की अध्यक्षता करते हुए कहा कि कुछ महीनों से 108 आपातकाल सेवा ठीक से काम नहीं कर पा रही है, क्योंकि उनके कुछ कर्मचारी अवांछित कर्मचारी यूनियन द्वारा गुमराह हुए हैं। उन्होंने कहा कि उनका संस्थान किसी भी यूनियन को मान्यता नहीं दे रहा है, लेकिन कुछ तथाकथित यूनियन नेता जो कि उनके संस्थान में नौकरी भी नहीं करते हैं, वे अपना आर्थिक हित साधने के लिए कर्मचारियों को गुमराह करते जा रहे हैं, लेकिन अब वे ऐसा होने नहीं देंगे और इस महीने के अंत तक सब ठीक करके पहली जैसी सेवाएं प्रदान करेंगे। बाकी ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस का भी ये 15 तारीख तक सभी गाड़ी, ये जो 198 व्हीकल्स जो है वो पूरा गाड़ियों हम ऑन करेंगे, ऑन रोड पे लेके आ जाएंगे। और ये एसोसिएट्स एम्प्लॉयज़ का जो भी प्रॉब्लम्स है वो हम एड्रेस ग्रीवियंस रेड्रेसल सेल एक हम एस्टेब्लिश किए हैं हमारे कॉल सेंटर के अंदर, और जो भी हमारा कर्मचारी को जो भी प्रॉब्लम्स है वो वी केयर में और ग्रीवियंस रेड्रेसल सेल में आप रिकॉर्ड करेंगे, तो विद इन 24 आवर्स we are trying to resolve this. By this we are trying to gain the confidence of our employees and the people of Himachal Pradesh that we will meet each and every emergency on time. Jo bhi gaps hai, ye gaps hum pura khatam kar raha hai, we are filling up the gaps. We are expecting by 15th all the vehicles will be on road with 100% uptime and required support. हिमाचल एक्सप्रेस के लिए सोलन से अमरप्रीत सिंह की रिपोर्ट।